आपके सामने है जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल फेडरेशन हॉकी स्टार अवार्ड, इसको फिच के नाम से भी जानते हैं, इंटरनेशनल फेडरेशन हॉकी स्टार अवार्ड। इसको देखते हैं अपन डिटेल से। देखिएगा पहले जो आपको फ्रंट पेज नजर आ रहा है यहां पे देखिएगा गोलकीपर ऑफ द ईयर, मैंने इसको नॉमिनेट में कराया और विनर आपके सामने है, विनर आपके सामने है दोनों के दोनों। देखते हैं ये क्या है क्या नहीं और किसको क्या मिला, इसको डिटेल से लेते हैं। मेरा क्वेश्चन है पहला, इवाडी गोडे फ्रॉम नीदरलैंड एंड ऑथर वैन डोरेन ऑफ बेल्जियम विन द 2018 FIH प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के नाम से जानते हैं। आपको दोनों नजर आ रहे हैं, फीमेल के अंदर चलता हूं तो आपका नाम होता इवाडी गोडे, आप जो है नीदरलैंड से है, और ऑर्थन वैन डोरेन कहां से बेटा, बेल्जियम से, जिन्होंने अपने दम के ऊपर इस साल जो वर्ल्ड कप हुआ था कहां पे, कलिंगा स्टेडियम, और कलिंगा स्टेडियम कहां पर है बेटा, उड़ीसा भुवनेश्वर, उसमें पहली बार विनर अप कौन हो गई बेटा, बेल्जियम, और हारी कौन थी, नीदरलैंड। तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि जो हमारे यहां पे वर्ल्ड कप के अंदर टीम विनर थी उसके मेंस को इस साल का फिच अवार्ड दिया गया जिसका नाम है डोरेमोन। क्या नाम है, डोरेमोन, डोरेन है ना, तो डोरेन से क्या हो जाएगा, डोरेमोन, और ऑर्थर, तो ऑर्थर डोरेमोन को दिया गया जो कहां से है बेटा, बेल्जियम से, और इवादी गोदे कहां से बेटा, नीदरलैंड से। और नीदरलैंड के लिए मैंने आपको कहा था नीदरलैंड में एक तो साइकिल और सेकंड क्या होती है बेटा, हॉकी, जैसे ब्राजील में फुटबॉल होती है ना, वैसे सबसे ज्यादा साइकिल कहां है बेटा, नीदरलैंड, बाइसिकल सब नीदरलैंड, और हॉकी में भी आ जाता तो कौन आता है आपका, नीदरलैंड। और इस साल आपको पता हो तो मेंस के अंदर जीता कौन, बेल्जियम, हारा कौन, नीदरलैंड, हारा कौन, नीदरलैंड। तो इस तरह से उनको दोनों याद हो जाएगा, वन और सेकंड, नीदरलैंड वाली में तो मैन वुमेन्स, और मेंस में कौन हो जाएगा, बेल्जियम। चलते ही नवाड को देखते क्या है क्या नहीं है। इवादू गोदे 29 ईयर एज, वाज नेम द फीमेल प्लेयर ऑफ द ईयर एंड ऑर्थर वैन डोरेन 24 वून द मेल प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर द सेकेंड ईयर इन ए रो, कंटिन्यू पिछली बार भी और इस बार भी। अदर जो अवार्ड थे उसमें क्या क्या है बेटा, देखते हैं। नंबर वन, मेंस गोलकीपर ऑफ द ईयर, लगने के पूरे चांसेस है, जिनका नाम है विंसेंट वैंस, कहां से बिलोंग करते हैं, बेल्जियम, यानी बेल्जियम के कितने हो गए बेटा, दो, एक तो ऑर्थर डोरेन और एक कौन हो गए बेटा, विंसेंट, कौन हो गए, विंसेंट। फिर मेल राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर में आता है तो अगेन ऑर्थर डी सोलवर, कहां से बिलोंग करते हैं, बेल्जियम, अब बेल्जियम के कितने हो गए बेटा, तीन। उसके बाद में मेल कोच ऑफ द ईयर आप न्यूजीलैंड से हैं, मिस्टर शेन मैकलियोट, और फीमेल कोच ऑफ द ईयर कहां से, ऑस्ट्रेलिया से, एलिसन एनन, और फीमेल गोलकीपर ऑफ द ईयर में आ जाए तो आपको मैडी हिंच, कहां से बेटा, यूके से। अब देखो ये आपने याद तो कर लिए, लेकिन हो सकता है एग्जाम में आपको याद हो या ना हो, हमने इसकी एक ट्रिक बना दी उससे जल्दी याद हो जाता है और परमानेंट याद होगा आपको। देखो डोरेमोन जो है उसमें तो कौन आ जाएगा, बेल्जियम, और डोरेमोन बेल बजाते आ जाता ना, तो बेल्जियम तो डोरेमोन के हिसाब से अपना डोरेन हो जाएगा, बेल्जियम। और वहां पे जो है इवा डी गोदे, तो अपन ने इवा से कर लिया दीवा, इवा से क्या कर लिया, दीवा, तो दीवा नाम तो लड़कियों का ही हो सकता ना, दिव्या दीवा, तो उसमें लड़कियों में कौन सा आ जाएगा बेटा, नीदरलैंड। यहां जब बातचीत होती है तो देखिएगा बेल्जियम के तीन, एक तो डोरेमोन, उसके बाद में आपके विंसेंट, और विंसेंट के बाद में क्या, अगेन ऑर्थर, जो उनके नाम में भी था फ्रंट में और इनके नाम में भी फ्रंट में, तो उससे अपना क्लियर हो जाएगा बेल्जियम का। तो राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर, गोलकीपर ऑफ द ईयर, एंड वी कैन ऑल्सो से द मेल प्लेयर ऑफ द ईयर, बेल्जियम, और उधर में आ जाता है तो आपका क्या होता है, इवादी गोदे, वो कहां से हो जाएगी, नीदरलैंड से। उसके बाद में यहां देखिएगा लास्ट के तीन, मेल कोच न्यूजीलैंड के, और फीमेल के अंदर आ जाता है तो कौन हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड क्रिकेट के अंदर भी है तो उससे याद कर लेंगे, तो यहां तो मिस्टर शेन हो जाएंगे, और यहां क्या हो जाएगा, एलिसन, और यहां हो जाएगा आपका मैडी हिंज, जो कहां से, यूके से। बट मेरे जो क्वेश्चन है इसमें से मैं मेंस गोलकीपर को ज्यादा वरीयता देता हूं, उसके अलावा मेल राइजिंग स्टार को देता हूं, उसके अलावा मेल प्लेयर ऑफ द ईयर को, दोनों का नाम मेल एज वेल एज फीमेल, दोनों लगने लायक क्वेश्चन है, यानी वन टू थ्री एंड फोर, या आप ये चार भी याद कर ले तो बहुत है, मेल राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर, मेंस गोलकीपर ऑफ द ईयर, मेल प्लेयर ऑफ द ईयर एंड फीमेल प्लेयर ऑफ द ईयर, ये कहलाते हैं आपके FIH स्टार अवार्ड। आई होप दो अवार्ड मैंने अब तक आपके साथ में शेयर करें, दोनों आपको समझ में आएंगे, चाहे वो लॉरियर्स हो चाहे FIH हो, ठीक है।
अब एफआईएच के क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूं, आपको आंसर देने फटाफट आगे लेके, ठीक है ना, ताकि नजर ना आए, ठीक है। यस, एफआईएच के अंदर आपको ये ध्यान देना बेटा, मैंने आपके साथ में शेयर करा, नंबर वन इस साल का फीमेल प्लेयर ऑफ द ईयर एफआईएच किसे दिया गया? आप कहां से? नीदरलैंड से। इस साल का सेकंड रो में वापस किसको दिया गया मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर? डोरेन। किसको दिया गया? डोरेन। कहां से बेटा? बेल्जियम से। बेल्जियम के आपको राइजिंग स्टार का नाम बताना है, ओके, और विंसेंट को गोलकीपर। कौन सा दिया गया? गोलकीपर। अब आप बताइए, जिसके तीन तीन को बेस्ट अवार्ड दिया जाएगा उसकी टीम वर्ल्ड कप जीतेगी या नहीं जीतेगी? 100% डिफेंस करने में कौन? गोलकीपर। फॉरवर्ड के अंदर कौन? आपका राइजिंग स्टार में कौन? आर्थर। और मेंस के अंदर कौन? डोरेन। जब तीन तिगड़ी बैठ जाएगी तो उसका वर्ल्ड कप जीतना फाइनल होगा या नहीं होगा? होगा। तो रनर अप कौन होगी? नीदरलैंड। तो नीदरलैंड वाली गर्ल्स उल्टा याद कर लो, जिसका नाम क्या है? एवा। उसको इस साल फिच का क्या मिला बेटा? फीमेल ऑफ द ईयर। ये चार आपको याद हो गए जो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट, कुछ मैंने एडिशनल आपके लिए हमेशा बनाता हूं, उसी में से चलते हैं। और सबसे पहले चलते हैं अपन भूटान। देखिएगा, भूटान इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, और यहां पर इंडिया के एम्बेसडर जो है वो बनाई गई है रुचिरा खंबोज को। किसको बनाया गया? रुचिरा खंबोज। तो वैसे याद हो जाएगा कि इंडिया रुचि रखता है किसमें? भूटान में। जैसे पिछली बार अपन ने आचार भेजा था ना, कहां पे? नेपाल, याद है ना? आचार्य को कहां भेजा था? नेपाल। तो बस वो आचार्य शब्द अपन को याद है, तो वैसे ही अपन यहां पे क्या ले लेंगे कि भूटान में क्या रखता है इंडिया? रुचि रखता है। तभी तो भूटान में रुचि रखता है, तो भूटान से रुचिरा खंबोज हो जाएगा। अगला अच्छा क्वेश्चन है, लगने लायक है, देखिएगा। इजिप्ट के प्रेसिडेंट है अल सीसी, इनको इलेक्टेड किया गया है अफ्रीकन यूनियन का चेयरमैन। अल सीसी जो है वन ईयर चेयरमैनशिप कंप्लीट होने के बाद बने, इससे पहले फॉर्मर कौन थे बेटा? रवांडा के प्रेसिडेंट, जिनका नाम क्या था? पॉल कागमे। इसमें मेरा जो क्वेश्चन होता है वो ये होता है, अभी हाल ही के अंदर अफ्रीकन यूनियन चेयरमैन किससे अपॉइंट किया गया? तो आपका आंसर होता है इजिप्ट के अल असीसी। और पिछली बार कौन थे बेटा? रवांडा के प्रेसिडेंट कौन? पॉल कागमे। रिक्की पॉन्टिंग जो ऑस्ट्रेलिया के फॉर्मर कैप्टन रह चुके हैं, इनको अपॉइंटेड किया गया एज ए असिस्टेंट कोच ऑफ द ऑस्ट्रेलिया फॉर 2019 वर्ल्ड कप। अभी 2019 वर्ल्ड कप कहां आयोजित होंगे? इंग्लैंड। और उसके अंदर असिस्टेंट कोच किसको बनाया गया? रिक्की पॉन्टिंग। तो इसका हम कह सकते हैं रिक्की पॉन्टिंग के भी अच्छे दिन है, क्योंकि इस बार हॉल ऑफ फेम में भी किसका नाम था? रिक्की पॉन्टिंग। रिक्की पॉन्टिंग, टेलर, और इंडियन में से कौन थे बेटा? राहुल द्रविड़। कौन थे? राहुल द्रविड़। रिक्की पॉन्टिंग इज अपॉइंटिंग आफ्टर द डेविड शेखर। इससे पहले कौन थे बेटा? असिस्टेंट कोच डेविड शेखर, जिन्होंने क्या दे दिया? रिजाइन। रिक्की पॉन्टिंग वर्क एज ए असिस्टेंट फॉर ऑस्ट्रेलिया T20 इन 2017 एंड 2018 एंड नाउ 2019 वर्ल्ड कप। द मेन कोच ऑफ द ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम आता बेटा जस्टिन लैंगर। जस्टिन लैंगर। एंड द करंट बैटिंग कोच ऑफ द टीम इज द ग्रैम हिक। दोनों के दोनों क्वेश्चन बनते हैं, तो ग्रैम हिक तो कौन है बेटा? बैटिंग कोच। और जस्टिन लैंगर जो है वो कौन है? मेन कोच। और असिस्टेंट कोच में कौन है बेटा? रिक्की पॉन्टिंग। डाउट क्लियर है? रिक्की पॉन्टिंग ने किनका स्थान लिया बेटा? डेविड शेकर्स के। चलते हैं बैंक के क्वेश्चन की तरफ। आरबीआई ने डबल कर दिए लिमिट ऑफ द बल्क डिपॉजिट। अब आप 1 करोड़ से कितने करा सकते हो? 2 करोड़। अकॉर्डिंग टू द करंट आरबीआई रूल लास्ट रिव्यू इन जनवरी 2013 बैंक हैव द ऑप्शन ऑफ द नॉट परमिटिंग द प्री मैच्योर विड्रॉल ऑफ लार्ज रूपी टर्म डिपॉजिट ऑफ इंडियन रुपीज 1 करोड़ एंड अबव। नेशनल फेडरेशन ऑफ द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक एंड द क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं NFCUB, हैज सजेस्टेड प्रपोजल। इसका मतलब कि अब आप बल्क में जो डिपॉजिट कराते हैं उसकी लिमिट बढ़ा के कितनी कर दिए? 1 करोड़ से 2 करोड़। और पिछली बार मैंने आपके साथ में शेयर करा था जो अनकोलेटरल बेस्ड लोन है वो 1 लाख से बढ़ा के कितने कर दिए गए बेटा? 1,60,000। कितने करे? 1,60,000। इससे बेनिफिट किसको होता? माइक्रो एंड स्मॉल फार्मर। और यहां पे किनको बेनिफिट है बेटा? अर्बन कोऑपरेटिव बैंक एंड क्रेडिट फेडरेशन के द्वारा रिकमेंडेड है, और आरबीआई ने इसको मान लिया है। और अब टोटल बल्क डिपॉजिट जो है वो पहले से बढ़ा के कितना कर दिया? 1 करोड़ से बढ़ा के 2 करोड़। चलते एक ऐप की तरफ जिसका नाम है अमेजोन। अमेजोन पे यूपीआई, ये एंड्रॉइड यूजर इन इंडिया अब अमेजोन ने लॉन्च कर दिया। यूपीआई को आप जानते हैं, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस।
इसने एक्सिस बैंक से टाइप करा है. किससे करा है? एक्सिस. यूपीआई इज एन इंस्टेंट द रियल टाइम पेमेंट सिस्टम डेवलप बाय द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको हम क्या बोलते हैं शॉर्ट में एनपीसीएल, एंड प्रोसेसिंग द इंटर बैंक ट्रांजेक्शन. आप भी यूज करते होंगे यूपीआई कैशलेस के लिए. तो यूपीआई अब किसका आ चुका है बेटा? अमेजोन का. और अमेजोन के यूपीआई का क्या नाम रखा गया? अमेजोन पे. और अमेजोन पे यूपीआई जो है वो एंड्रॉइड बेस्ड जो है वो एनपीसीआई ने इसको परमिशन दे दिया. उसने टाइप किससे करा अधिकतर? एक्सिस बैंक से. मीरा भाई चानू हमारी ये बैट लिफ्टर, इनको इस बार नॉट ऑफ द गोल्ड एट द ईजीएटी कप इन थाईलैंड. जो ईजीएटी कप हुआ था थाईलैंड में, इसमें भारत की तरफ से आपको गोल्ड दिया गया. क्या दिया गया? गोल्ड. मीराबाई चानू को इस साल राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी दिया गया. और आपने ये पुरस्कार विराट कोहली के साथ में म्यूचुअली क्या करा है? शेयर करा है. ठीक है. और आप बिलोंग कहां से करते हैं? मणिपुर से. कहां से बिलोंग करते हैं? मणिपुर. चानू जो है 48 केजी कैटेगरी में गोल्ड जीता है और एफर्ट ऑफ 192 केजी इन द सिल्वर लेवल ओलंपिक क्वालिफाइंग इवेंट. नाउ वी कम हियर. अच्छा क्वेश्चन है, लगने लायक है. जेमी कार्डविक इनको फ्रॉम इंग्लैंड, कहां से बिलोंग करती है? इंग्लैंड. मेड द हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट फीमेल ड्राइवर टू विन द एमआरएफ चैलेंज टाइटल आफ्टर स्कोरिंग ए ट्रिपल विन इन द फाइनल राउंड इन चेन्नई. अभी जो चेन्नई के अंदर फॉर्मूला वन रेस हुई थी उसके अंदर जेमी कैडविक है, जो कहां से बिलोंग करती है? इंग्लैंड से. इनको इस साल का एमआरएफ चैलेंज ऑफ द ईयर अवार्ड से जो है घोषित किया गया. लगने लायक क्वेश्चन है. उसके बाद चलते हैं हमारे फुटबॉलर की तरफ. सुनील छेत्री. सुनील छेत्री गिवन द फर्स्ट एवर फुटबॉल रत्न अवार्ड बाय द फुटबॉल दिल्ली, द एसोसिएटिंग गवर्निंग द स्पोर्ट्स इन दिल्ली. और इस साल सुनील छेत्री को और कौन सा अवार्ड मिला बेटा? पद्म श्री. इस बार क्या मिला आपको? पद्मश्री. पद्मश्री से किया गया है. ही इज पॉपुलरली नोन एज द कैप्टन फैंटास्टिक. ही हैज स्कोर द सेकेंड हाइएस्ट नंबर ऑफ गोल इन इंटरनेशनल मैच अमोंग द एक्टिव प्लेयर आफ्टर द क्रिस्टिनो रोनाल्डो. बिल्कुल सही है. क्रिस्टिनो रोनाल्डो के बाद में हम कह सकते हैं तो सेकंड पे कौन आते हैं हाईएस्ट नंबर के ऊपर? सुनील छेत्री. और सुनील छेत्री को इस बार पद्मश्री से भी नॉमिनेट किया गया. और इस बार आपको दिल्ली फुटबॉल के द्वारा भी फुटबॉल रत्न अवार्ड दिया गया है. सुनील छेत्री का जन्म जो है वो महाराष्ट्र में हुआ, बट खेलते कहां से बेटा? छत्तीसगढ़. कहां से? छत्तीसगढ़. चलते हैं आगे. अपॉइंटमेंट देखते हैं. अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट, जिसको हम शॉर्ट में एसीसी बोलते हैं, इन्होंने सीनियर आईआरएस ऑफिसर प्रमोद चंद्र मोदी इनको अपॉइंट किया गया है सीबीडीटी के हेड. देखिएगा अभी काफी कुछ चेंजेस हुए हैं. चेंजेस क्या क्या हुए हैं उसको अपन देखते हैं. जो सीबीडीटी के हेड थे ना बेटा, उनको तो इलेक्शन कमीशन बना दिया गया. क्या बना दिया गया? इलेक्शन कमिश्नर. और जो सीबीडीटी में रेवेन्यू बोर्ड के चीफ थे उनको क्या बना दिया गया? हेड. सेंटर बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, सीबीडीटी बोलते हो ना, इसके यदि आपके हेड या चेयरमैन आ जाते हैं तो अब आपको रिसेंटली क्या लिखना है बेटा शॉर्ट के अंदर? मिस्टर पीसी मोदी. यदि इनका आता है रिप्लेस किसको करा आपने, तो आपको होता है सुशील चंद्र. ये रीअपॉइंट हुए थे पहले, फिर इन्होंने का रिजाइन हो गया. और अब यदि मैं चलता हूं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसका आर्टिकल नंबर कौन सा आता है बेटा? 324. इसका हेडक्वार्टर कहां है बेटा? नई दिल्ली. और फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन होते हैं? सुकुमार. राइट है बेटा. और फिर कुछ 1983 में ऐसा किया गया कि एक चीफ इलेक्शन कमीशन के नीचे कितने होंगे बेटा? दो इलेक्शन कमीशन. राइट है. टोटल तीन का स्टाफ है ना बेटा. ये तो चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, है ना. यहां की यदि बातचीत करता हूं, वेरी गुड, एक्सलेंट बेटा. सुनील अरोड़ा और ऊपर क्या लिख सकते हैं? 23rd. रिप्लेस में यदि मैं यहां लिखूं तो क्या लिखूंगा बेटा? ओपी रावत. इसको आगे एक्स कर सकता हूं ना बेटा.
क्या कर सकता हूं एक्स। ओके अब हुआ क्या था वो यहां देखिएगा थोड़ा। एक्चुअल में ये सुनील जी अरोड़ा जिसमें ओपी रावत थे ना उसमें यहां थे और यहां थे अशोक लवासा जो कि पहले हमारे कौन रह चुके फाइनेंस सेक्रेटरी अशोक लवासा। ये वाला जो पोस्ट था ना बेटा यहां जो मैंने रेड से सिंबल करा है ये वैकेंट था क्योंकि जब ओपी रावत सर थे ठीक है मैं फिर डबल लाइन कर रहा हूं जब हमारे 22वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया थे उसमें सुनील अरोड़ा जी इलेक्शन कमिश्नर थे और इधर की साइड में कौन थे अशोक जी लवासा और ओपी रावत सर के बाद यहां से प्रमोट करके किसको बना दिया गया सुनील जी अरोड़ा को। तो ऑब्वियसली ये तो खाली रहेगी ना ये क्या रहेगी खाली। तो यहां पर अभी इनको अपॉइंट कर दिया गया किनको सुशील चंद्र को। यानी अब पूरा हायरार्की समझ में आ गया ना आपको श्योर। यानी सीबीडीटी में जो सुशील चंद्र थे उन्होंने यदि मैं बोलूं किनका स्थान लिया तो वैकेंट था ना और वैकेंट किसका था चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो कौन थे सुनील जी अरोड़ा उनका ही तो स्थान लिया है और दूसरे हमारे इलेक्शन कमिश्नर कौन है अशोक लवासा। तो यानी अब तीनों की आपको पता चल गया चीफ आ जाए तो आप किसको राइट करके आओगे सुनील अरोड़ा और दो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया आ जाए तो किस किस को राइट करके आओगे राइट है बेटा 100% राइट है। और रिसेंटली अपॉइंट किसको किया गया तब आपका आंसर क्या होगा सुशील चंद्र का। डाउट क्लियर है। ये मैंने इसलिए आपके सामने बनाया था कि आप पता चले कि सीबीडीटी में सुशील चंद्र जी को यहां लेके आए और सुशील चंद्र जी का स्थान किसने ले लिया पीसी मोदी जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से है। ठीक है डाउट क्लियर है क्लियर। तो यही क्वेश्चन है ही विल सक्सेस द सुशील चंद्र हु वाज रिसेंटली अपॉइंटेड द इलेक्शन कमिश्नर। ओके सो सीबीडीटी चीफ एक्स सुशील चंद्र अपॉइंटेड एज ए इलेक्शन कमिश्नर द पोस्ट हैड फॉलन वैकेंट आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ सुनील अरोड़ा एज ए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑन सुपर अनाउंसमेंट ऑफ हिज प्रोसीजर ऑफ ओपी रावत इन दिसंबर 2018 फॉर्मर ब्यूरोक्रेट अशोक लवासा इज द फर्स्ट एंड सीनियर मोस्ट इलेक्शन कमिश्नर। अब मैं इनको बोलता हूं कि आपको इनको सीनियरिटी से जमाइए तो यहां पर कौन आएगा सुनील जी अरोड़ा सेकेंड नंबर पे कौन आ जाएंगे अशोक लवासा और रिसेंटली में कौन आ जाएंगे बेटा सुशील चंद्र। डाउट क्लियर है क्लियर वेरी गुड एक्सलेंट दोनों परमानेंट क्वेश्चन है। पीएम नरेंद्र मोदी लॉन्च ए डेडिकेटेड 24/7 सैटेलाइट चैनल डीडी अरुण प्रभा फॉर अरुणाचल प्रदेश। वैसे अरुण प्रभा नाम आ रहा तो अरुणाचल प्रदेश ही होगा ना बेटा। ड्यूरिंग हिज विजिट ऑन अरुणाचल प्रदेश असम एंड त्रिपुरा याद कीजिएगा सर तीन नॉर्थ ईस्ट के स्टेट का जो है दौरा करके आए थे। जब बात असम की हुई थी तो वहां नागरिक संशोधन बिल के लिए मना करा था याद है। उसके बाद जब अरुणाचल प्रदेश गए तो सेला पास कौन सा था सेला पास टनल और वहीं पर ही एक 24/7 सैटेलाइट चैनल चलाया जिसका नाम क्या है बेटा डीडी अरुणा प्रभा। तो क्वेश्चन आएगा हाल ही में डीडी अरुण प्रभा कहां पे चलाया गया दूरदर्शन का चैनल तो आपका आंसर क्या हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ये अरुणाचल प्रदेश का डीडी का सेकंड चैनल है क्योंकि इससे पहले चलता था नॉर्थ ईस्ट कौन सा चलता था नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के बाद में अब मैं कहता हूं सेकंड कौन सा चला तो आपको क्या होगा अरुण प्रभा। डाउट क्लियर है क्लियर चलते हैं नेक्स्ट बैंक का परमानेंट क्वेश्चन आ जाएगा। जेपी मॉर्गन बिकम द फर्स्ट यूएस बैंक विद द क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी जो यूएस बैंक पहला बना है वो कौन सा बना है जेपी मॉर्गन। क्रिप्टो करेंसी जिसको आप किस नाम से जानते हैं बेटा बिटकॉइन जिसको आप वर्चुअल करेंसी के नाम से भी जानते हैं। क्रिप्टो करेंसी आर यूज सक्सेसफुली टू मूव द मनी बिटवीन द बैंक एंड ए क्लाइंट विच यूजली रन ऑन ए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। किसके द्वारा काम करती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। देखिएगा बैंक का अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन आ सकता है हाल ही में यूएस बैंक ने क्रिप्टो करेंसी के साथ में किसके साथ टाइप करा तो आपका आंसर क्या होगा जेपी मॉर्गन। और क्रिप्टो करेंसी किसके भी आप से चलती है बेटा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से। द क्रिप्टो करेंसी को शॉर्ट में जो ये जेपीएम कॉइन किया गया है तो जेपी किसको रेफर कर रहा है जेपी और एम किसको कर रहा है मॉर्गन को और इसके कॉइन का नाम दिया गया जेपीएम कॉइन। इज इंटरटेड फॉर द बैंक इज द होलसेल पेमेंट बिजनेस दैट मूव द डॉलर $6 trillion अराउंड द वर्ल्ड डेली एंड नॉट फॉर द रिटेल कस्टमर। यानी किसके लिए लिया गया है होलसेल पेमेंट के लिए रिटेल के लिए नहीं लिया गया है। तो क्वेश्चन आएगा जेपी मॉर्गन बिकम द फर्स्ट यूएस बैंक विद द क्रिप्टो करेंसी और इसके क्रिप्टो करेंसी कॉइन्स का क्या नाम हो जाएगा जेपीएम कॉइन
और रिटेल के लिए या होलसेल के लिए, तो आपका आंसर क्या जाएगा, होलसेल के लिए। डाउट क्लियर है? क्लियर। यानी एक चीज पता चल रहा है कि वर्ल्ड वाइड क्रिप्टो करेंसी अब डेवलप होना स्टार्ट हो रही है, आने वाले समय में हो सकता है इंडिया जैसे देश के अंदर भी आप क्रिप्टो करेंसी को देखें, जो हमारे जिसका रेगुलेटर अभी तक वर्ल्ड में कोई नहीं है, पूरे वर्ल्ड में इसका रेगुलेटर कोई नहीं है। चलते हैं बैडमिंटन की तरफ, और बैडमिंटन की दोनों शटलर आपके सामने, जिनका नाम क्या है, साइना नेहवाल और पीवी सिंधु। देखिएगा इन बैडमिंटन साइना नेहवाल वून हर फोर्थ टाइटल एट द योनेक्स सनराइज 83 सीनियर नेशनल, और इन्होंने डिफीटेड किसको करा है, पीवी सिंधु। किसकी याद दिला रहा है, एशियन कप की। सेम वैसा ही हो रहा है, वहां पे भी कौन जीती थी, साइना, हारी कौन थी, पीवी सिंधु। तो सेम वही याद दिला रहा है, तो यहां पे जीतने वाले में किसको करके आना है, साइना, और हारने वाले में किसको करना है बेटा, पीवी सिंधु। और ये कहां हुए थे बेटा, गुवाहाटी के अंदर। और यहां देखिएगा सौरभ वर्मा कंप्लीटेड हैट्रिक कंटिन्यू क्लेमिंग द मैन सिंगल क्राउन आफ्टर डिफेंडिंग द यंग लक्ष्य सेन इन द स्ट्रेट गेम। तो दोनों के नाम अभी चल रहे हैं, इधर आ जाए तो साइना नेहवाल और इधर क्या करना है, सौरभ वर्मा, एस। दोनों किस नाम चाह रहे हैं, एस। चलते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन है। देखिएगा सूडान के रिफ्यूजी है, जिनका नाम क्या है, अब्दुल अजीज मुमात। इनको 5 साल स्पेंड करा इन्होंने कहां पे, ऑस्ट्रेलियन डिटेंशन सेंटर ऑन द मनुस आइसलैंड इन पपुआ न्यू गुइना। इनको इस साल का जो है बेस्ट अवार्ड दिया गया है। तो क्वेश्चन आएगा कि इस साल का अवार्ड इन जिनेवा स्विट्जरलैंड में जो दिया गया वो किसको दिया गया, तो आपको सूडान का क्या जाएगा बेटा, अब्दुल अजीज आपके मुमात को, अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार। दिस वाज द अनवाइल्ड बाय द पीएम नरेंद्र मोदी एंड फॉर्मर फ्रेंच प्रेसिडेंट फ्रांसिस ओलान इन 2015। 2015 में जब मोदी जी फ्रांस गए थे तो वहां के प्रेसिडेंट थे फ्रांसिस ओलान। इन दोनों ने मिलकर आईएसओ को डेवलप करने की योजना बनाई, और इसका हेडक्वार्टर कहां पर लगाया गया, गुड़गांव। और आईएसए का 73वां नेशन कौन बना है, सऊदी अरबिया। अशोक दिलवाली हैज वून द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द 7th नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड। तो वैसे याद हो जाएगा अशोक दिलवाली, इन्होंने क्या जीता बेटा, 7th नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड। मलेशिया 8-time वर्ल्ड चैंपियंस निकोल डेविड हैज अनाउंस दैट शी विल कॉल टाइम टू द हर रिकॉर्ड ब्रेकिंग करियर एट द एंड ऑफ द 2018-19 सेशन। इन्होंने रिजाइन की कर दिया बेटा वर्ल्ड चैंपियंस का, जिसका नाम क्या है, निकोल डेविड। द वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस सेलिब्रेटेड द एनुअल ऑल ओवर द वर्ल्ड इन 20 फेब। द थीम ऑफ द WDSJ 2019 इफ यू वांट पीस एंड डेवलपमेंट वर्क फॉर सोशल जस्टिस। क्वेश्चन आएगा इस 20 फरवरी के दिन कौन सा डे मनाया गया, तो आपका आंसर होता है वर्ल्ड डे फॉर सोशल जस्टिस। इसकी थीम पूछे तो इफ यू वांट पीस, यदि आप शांति चाहते हैं, एंड डेवलपमेंट वर्क फॉर सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस के लिए क्या कीजिएगा काम। और ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, 20 फरवरी के दिन। लास्ट एंड फाइनल एक और स्लाइड देखते हैं, उसके बाद आप वाली पे आते हैं प्लीज। देखिएगा इसमें अभी ये क्वेश्चन स्मृति मंधाना का काफी लग रहा है, देखिएगा है क्या उसको देखिएगा। इस बार महाराष्ट्र सरकार ने शिव छत्रपति अवार्ड, इससे 3 जनों को नॉमिनेट किया गया है। वहां के गवर्नर है सी विद्यासागर राव, उन्होंने इसका गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई के अंदर यह कार्यक्रम हुआ था उसमें इन इनका नाम लिया गया। सबसे पहले किस किस का आता है बेटा, मालाकाम कोच, उदय देशपांडे एंड वैट्स मोना एंड स्मृति मंधाना। इसमें क्वेश्चन जो लग रहा है वो ये लग रहा है शिव छत्रपति अवार्ड किस क्रिकेटर महिला को दिया गया, तब आपका आंसर क्या होता है, स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना जी के बारे में आप क्या क्या जानते हैं, नंबर 1 यस, उसके बाद वुमेन ऑफ द ईयर, उसके बाद फर्स्ट एड कितनी बोल के अंदर, 24 के अंदर, और रैंकिंग में अभी कौन से नंबर पे है, फर्स्ट। वेरी गुड। देखिएगा 4 बातें आपको अच्छी तरह से याद है, आईसीसी वुमेन्स ऑफ द ईयर आता है तो स्मृति मंधाना, ओडीआई ऑफ द ईयर आता है तो स्मृति मंधाना, 24 बॉल के अंदर इंडिया की तरफ से हाइएस्ट 50 में आ जाए तो कौन, स्मृति मंधाना, और यदि top 1 रैंकिंग में भी आ जाए तो क्या लिख के आना, स्मृति मंधाना, और साथ में शिव छत्रपति अवार्ड आ जाए तब भी आपको क्या लिख के आना, स्मृति मंधाना। चलते हैं, अच्छा क्वेश्चन है राजस्थान का, और आपको हंसी भी आएगी इसको सुन के। हमारे जो यहां की विधानसभा है राजस्थान की, उसने अभी एक बिल पारित करा है। बिल क्या पारित करा देखेंगे, राजस्थान पंचायती राज बिल में अमेंडमेंट किया गया 2019 में, और यह कहा गया कि राजस्थान की जो म्यूनिसिपालिटी बिल है उसमें भी अमेंडमेंट किया गया 2019 में, और मिनिमम एजुकेशन जो होती है वो हटा दी गई, चाहे वो पंचायती राज के लिए हो चाहे किसी के लिए हो। पहले 5वीं और 8वीं थी,
पहले क्या थी, पांचवी और आठवीं। अब इस बिल में अमेंडमेंट करके अब जीरो कर दिया गया है। तो क्वेश्चन अभी बहुत लग रहा है, अभी हाल ही में किस राज्य ने पंचायती राज चुनाव बिल के अंदर अमेंडमेंट कराया, तो आपका आंसर क्या होगा, राजस्थान। अब इसमें शैक्षणिक योग्यता पूछते हैं तो आप जीरो करके आएंगे, है ना, कोई भी इसमें जो है इलेक्शन लड़ सकता है। एक अच्छा क्वेश्चन है राजस्थान का, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। 40वां इंटरनेशनल, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे इसलिए आएगा, एनुअल डेजर्ट फेस्टिवल कहां मनाया गया, तब आपको आंसर क्या करना है, जैसलमेर। देखो मरु महोत्सव आता है तो आप पहुंच जाते हो जोधपुर, कहां पहुंच जाते हो, जोधपुर। और इंटरनेशनल एनुअल डेजर्ट फेस्टिवल आता है तो कहां पहुंचते हो, जैसलमेर। और यही आपका काइट हो जाता तो आप अहमदाबाद, कहां पहुंच जाते हो, अहमदाबाद। ये एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छे क्वेश्चन होते हैं, जैसे आपके कई बार शरद आ जाता है, माउंट आबू पहुंच जाते हो आप। तो ये ऐसे क्वेश्चन है जो टूरिज्म के होते हैं, जो परमानेंट लगते हैं। तो इस बार आया था आपका इंटरनेशनल डेजर्ट फेस्टिवल का मनाया गया, आपको जैसलमेर करना है, ठीक है, ओके।